अलम तेरी बात करते हैं तुझसे मदद मांगते हैं नाजमिन, आज की हम किताब में बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ सबका वजीर इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च का कल ऐलान किया है उस पर हम तफसील से बात करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल तो दे दी है, उन्होंने कहा है कि लाहौर से लिबर्टी चौक से हम 11 बजे जो है वो जुमे को इकट्ठे होंगे, वहाँ से हम इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करेंगे। इसकी जो अहम बात है वो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कारकुनान को, बहुत सारे तंजीमी अहदेदारान को नहीं पता, और ये प्लानिंग इमरान खान साहब खुद कर रहे हैं। वो प्लानिंग यह है कि जुम्मे को इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ नहीं आ रहे, बल्कि इमरान खान साहब शाहदरा तक इस मार्च को लेकर चलेंगे, और फिर जो है वो एक हफ्ते बाद जो है वो एक मज़ीद एक हफ्ते के बाद जो है इमरान खान साहब एक जुम्मे से लाहौर से ही जो है उसकी क्यादत करेंगे उसी तरीके से, लेकिन एक हफ्ते का वो डेडलाइन देंगे या एक हफ़्ते वो अपनी तंजीमों को बोलेंगे कि मज़ीद एक हफ़्ते बाद हम जो है लॉन्ग मार्च जो है पूरे मुल्क से जो है वो लाखों की तादाद में एक बड़ा समंदर जो है वो इस्लामाबाद आएगा। बदल ये तो स्ट्रेटजी इमरान खान साहब की बदलती रहती है, अब देखते हैं कि वो आने वाले दिन में इस हवाले से मज़ीद क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं। बदल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी जो इम्तियाज़ शेख साहब हैं जो पी टी आई लाहौर के प्रेजिडेंट हैं, उन्होंने ये तस्दीक की है इस खबर की जो मैं आपको दे रहा हूँ, और वो मेरी शॉर्ट वीडियो पर भी लगी हुई है, आप उनकी वो खबर सुन सकते हैं। तो लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि आपने जो है वो इसमें आना है जो खान साहब ने लॉन्ग मार्च निकाल दिए इसमें, और इसके बाद जो है इमरान खान साहब जब दोबारा आपको बुलाएंगे तो फिर भी आपने आना है, क्योंकि फाइनल कॉल होगी और उसमें जो है वो हिकमत अमली भी तय होगी, और इमरान खान साहब खुद लॉन्ग मार्च की याद करते हुए जी टी रोड से बरास्ता इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। उसमें गुजरांवाला डिवीज़न है, सिंधुदुर्ग डिवीज़न है, रावलपिंडी डिवीज़न है, अटक है, दीगर जितने भी इलाके ज़िले हैं डिस्ट्रिक्ट हैं उसकी तमाम तंजीमें जो ISF है, यूथ है, लॉयड है, ये तमाम लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेगी, और बड़ी तादाद जो है वो इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करेगी। लाखों का मजमा होगा, समंदर होगा जो इस इम्पोर्टेड सरकार को जो है वो भाग कर ले जाएगा, और जो हुकूमत के स्ट्रेटजी है, यह हुकूमत अमली है, अगर हम वो हम आपको बताएं तो वो बड़ी ही ख़तरनाक किस्म की है, और वो शेलिंग वगैरह तो करेंगे ही, लेकिन FC के अहलकार को उन्होंने बुलाया हुआ है, और फैसल मस्जिद जो मस्जिद है वहाँ उन्होंने रिहाइश ली हुई है, तो वो भी चाकू चौबंद हैं और वो भी तैयार हैं लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने में। वज़ीर दाखला अब बड़े मुतरक हुए हैं, लेकिन उनको नहीं पता जब आवाम का समंदर आता है तो फिर ये जो मुसलत शुदा लोग हैं या मुसलत जो लोग हैं वो इसको नाकाम नहीं बना सकते, बल्कि हकीकी आज़ादी की जो जंग इमरान खान साहब लड़ रहे हैं और वो लड़ते रहेंगे, और इसमें जो है लोग उनके साथ हैं और लोगों की दवाएँ उनके साथ हैं। और मैं अगर यहाँ ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, हकीकी आज़ादी मार्च में जो पहली शहादत हुई है वो हुई है हमारे सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर एंकर हैं, फील्ड जर्नलिस्ट रह चुके हैं, एक मायनाज मरूफ समाजी शख्सियत के मालिक हैं मोहतरम अरशद शरीफ साहब, जो कि खालिक हकीकी को जा मिले, और उनकी नमाज जनाजा जो है वो कल अदा की जाएगी और कल ही तदफीन की जाएगी जुमरात वाले दिन। तो अल्लाह ताला उनके उनको और उनके घर वालों को जो है जन्नत मतलब मुकाम अता फरमाए, और हमारी दुआएँ कि अल्लाह ताला उनके रवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि मरियम नवाज़ साहब ने जो गुज़िश्ता रोज़ ट्वीट किया और नमक पाशी की हमारे शहीद सहाफ़ी एक गैरतमंद सहाफ़ी पर जो तनकीद की वजह से पूरा मुल्क इस वक्त शोर में, और वो नमक पाशी कर रही हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, और उनको जो है इसकी अपनी उन्होंने ट्वीट तो डिलीट की, लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने जो अपनी उनकी जो छोटी जान के लोग होते हैं उनकी जो जहनीत है वो तो पूरे पाकिस्तान ने देखी है कि किस तरीके से जो है एक वफात पा जाने वाले शख्स पर भी वो तनकीद कर रही हैं। अहमद मीर साहब जो इमरान खान के नाकद, उन्होंने भी इस पर तनकीद की कि ये ट्वीट वापस होना चाहिए, इमरान खान साहब ने और दीगर जितने भी सहाफ़ी लोग हैं उन्होंने भी इस पर तनकीद की, और करनी भी चाहिए थी, पॉजिटिव तनकीद थी। एक गलत बात है अगर सहाफ़ी के साथ आप इस तरह का आपका रवैया होगा, आप अगर आम मरशद शरीफ साहब की बात करें तो गुलशुम नवाज साहिबा जब बीमार थी तो उन्होंने उनकी नए ख्वाहिशात का इजहार किया, आज भी वो ट्वीट टॉप ट्रेंड बना हुआ है, सोशल मीडिया पर वायरल है, लोग लगा रहे हैं, और मरियम साहिबा ने जब वो देखा तो उन्होंने फिर जो है वो उसको ट्वीट जो उन्होंने की थी वो डिलीट की। बड़ा दे रहा है दुरुस्त है, बड़ा बहुत गलत बात है कि मरियम साहिबा ने जो है इस तरह का उनसे इस तरह की तवक्को हम नहीं कर सकते थे कि इस तरह का गैर संजीदा ट्वीट उनकी जानब से आएगा, जब उनके चचा
शहबाज शरीफ जो है वो उस पर कमेटी बना रहे हैं, एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी का वो ऐलान कर रहे हैं और वो तजवीद कर रहे हैं। सारा कुछ हो रहा है, पूरा मुल्क हालत सोग में, और ये ऊपर से नमक पाशी कर रही है उनके वकीन के साथ, जो उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़क रही हैं। तो बहुत गलत बात है, इंतहाई मजम्मत जितनी भी की जाए वो गलत है। हमारे सेक्रेटरी जनरल पी एफ यू राना मोहम्मद अजीम साहब भी इसके वाकई की मजम्मत कर चुके हैं, तमाम सहाफ़ी तंजीमें मजम्मत कर चुकी हैं। इसके अलावा मैं जो अरशद शरीफ साहब के हवाले से मैंने ये अभी चल रहा होगा, मैंने कीनिया मीडिया को अपना प्रेस रिलीज पी एफ यू जे की जानब से जारी किया है, जिसमें मैंने उनको बताया कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन चाहती है साफाफ शफाफ, जिसमें जो है वो जिन अफसरान से ये गोलियां वगैरह चली हैं उनको तो पहले फौरी तौर पर मुअत्तल करके कीनिया हुकूमत, फिर जो है उस पर एक गैर जानेदार जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन टीम दी जाए, मरतब की जाए, ताकि जो है एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके। और मैं यहाँ ये कहना भी चाहूँगा कि हमारी पाक फ़ौज को मैं अपना तस्लीम पेश करना चाहूँगा कि उनकी जानब से भी इस सानिया पर बड़ी तशवीश पाई जा रही है, और उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को ख़त भी लिखा है। डी जी एस पी आर के इस पर प्रॉपर एक इंटरव्यू सा भी है, वो भी बिपर भी उन्होंने दिया एक निजी चैनल को जो मेरे ब्लॉग पर भी लगा हुआ है। तो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो एक गलत साजिश जो लोग चाह रहे हैं, मैं उनकी भी मजम्मत करता हूँ यहाँ। और मैं समझता हूँ कि हर बार जो है या हर दफ़ा जो है अपने रियासती इदारों पर कोई भी तनकीद ना करे, क्योंकि रियासती इदारे इस मुल्क के महाफ़िज़ हैं, वो कभी भी अपने पाकिस्तानियों पर इस तरह की ना ही उनकी वो अपने मुल्क की हफाजत कर रहे हैं। तो हमें उन पर फ़ख्र है, पाक फौज पर हमारी जानें कुर्बान हैं, उन्होंने जाने दी हैं, जानों के नजराने पेश करते हैं, हमारी हिफाजत करने के लिए उस खुदों पर रहते हैं। तो खुदारा अपना मकरू हुआ झंडा पास करने के लिए जाए, अफवाहों पर कान न धरें। और अरशद शरीफ साहब जिस तरह कीनियन पुलिस ने इसका एतराफ़ किया है कि उनकी जानब से गोली चली है और वो गलती से चली है और वो इसको एडमिट कर रहे हैं, तो उस हवाले से एक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर टीम बन चुकी है, इंशाल्लाह वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि इस मामले में ज़रूर इंसाफ भी मिलेगा वाइकिन को, और इंशाल्लाह जो जो लोग मुलव्वस होंगे उनको सजा भी मिलेगी। बहरहाल अब मैं यहाँ अपील करूँगा तमाम पाकिस्तानियों से कि हमारे जो इदारे हैं हर बात जो दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर ट्वीट कर देते हैं, या ऐसे फेक्स अकाउंट के ट्वीट्स को आगे रीट्वीट करके उसको वायरल करते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं ये तंबीह करूँगा कि खुदारा इस तरह अपने रियासती इदारों पर बिला सोचे बगैर किसी शवायद के बगैर किसी उसके तहकीकात हुए बगैर इस तरह की गैर दानिस्ता या दानिस्ता हमारा जो दुश्मन है वो फ़ायदा उठा सकता है, और हमारे अदारे जो हैं वो उनको कमज़ोर करने की साजिश हो सकती है। तो खुदारा ऐसी साजिश कैसा ना बने, ये मेरी आप सबसे अपील है। पाक फौज पर हमारी जानें कुर्बान है, हमारी जो अरशद शरीफ साहब थे उनके भाई भी कैप्टन थे, उनके वालिद साहब भी मेरे ख्याल से नेवी में थे। तो खुदारा ऐसी इस मामले में इस तरह की नमक ना छिड़कें, और इस वक्त हम दुआ ही कर सकते हैं, हर इंसान ने जो है वो मरना है, उल्लू नफसन जाली कल मौत, हर इंसान ने हर नफ्स ने जो है मौत का मज़ा चखना है, एक दिन हम सब ने मरना है। बस दुआ करें अल्लाह ताला हमें भी शहादत की ज़िंदगी नसीब अता फरमाए, और हक और सच की हमेशा आवाज़ जो है हम बुलंद करते रहें, और इसी तरह हक दिखाते रहें, सच की तलाश के सफ़र में गामजन रहें। अरशद शरीफ साहब हमेशा सच की तलाश के सफ़र में गामजन रहते थे, और अल्लाह ताला की जानब से उनका वक्त मुकर्रर था। बड़ा एक अफसोस सानिया है, बहुत बड़ा सानिया है पाकिस्तानी सहाफत के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, ये किसी सदमे से कम नहीं है। हम हालत सोग में हैं, और इंशाल्लाह उनकी जो कुर्बानी है उनकी इस कुर्बानी को ताम तक जो है वो हम याद रखेंगे, और हम उनके लवाकिन के लिए दुआगो हैं, उनकी जितनी भी फैमिली उसके साथ इजार तजीद करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मख़फ़रत फरमाए, अल्लाह मकामत पर, और जिन लोगों ने भी उन पर तशद्दुद किए, जिसने भी साजिश लगाई उनको निस्तो नाबूद करे, ये भी हम दुआ करते हैं। आखिर में एक बार फिर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान और कप्तान इमरान खान ने हकीकी आज़ादी मार्च का ऐलान करते हुए ये कल कहा था साथियों गुफ्तगू में कि मुझे नहीं यकीन कि ये लोग इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं है, तो मैंने अब फैसला कर लिया कि मैं लॉन्ग मार्च करूँगा। नाजरीन लॉन्ग मार्च के हवाले से आपको हर तरह की अपडेट हम देते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन प्रेस करें, हर तरह की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको हामी नासर हो। खुदा।